जेता समंद सागर नीर भरया ते ते अवगण खमारे दया करो किछ मेर उपावो डूबते पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपे जियड़ा अग्न बराबर तपे पीतर वगै परणवत नानक हुकम पछाणे हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस विशेष दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां जी दी अमृत गुरबाणी दे कीर्तन सन्मान योग भाई साहब जी ने आपां नूं श्रवण कराए ने। कल सतगुरु जी दे पावन पवित्र अमृत बाणी विचों एक पौड़ी नूं आधार बना के आपां गुरमत विचार प्रारंभ कीती सी। उस पौड़ी दियां पहलियां दो तुकां कल विचार अधीन सन। ओ अमृत बचन ने सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। ए पवित्र दो तुकां आपां कल विचार रहे सां। इस तो अगलेरे पवित्र बचन तुक है सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। आओ उस लड़ी नूं के उस परमात्मा दे नाम नूं त्यार जिस दा हुक्म सारे संसार विच चलदा है उस परमात्मा दे नाम नूं जप जिहड़ा अंतले वेले सहाय हुंदा है। ते तीसरा बचन असी विचारना है कि उस परमात्मा दे ऐसे प्रभु दे नाम नूं हरी नाम नूं जप जिहड़ा भाई मन दी तृष्णा मन दी भुख एदे तो सदीव काल लई तृप्त कर दिंदा है। आओ साध संगत जी आप जी बच्चो एकाग्रता धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन अपने शब्द दी कला आप विच वरता के सतगुरु आप विचार तरस करके करा लो करो कृपा साध संगत
गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज कीर्तन सरवण करदे आं, मन विच एक ख्याल उपजिया कि असी हजूर ते इस पवित्र बचन नूं कल विचार रहे सां कि सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छड़ाए। अंति दा अर्थ है अखीर, ते अवसर दा अर्थ है मौका, वक्त, समा। असी एक कल पख लिया सी कि मनुख दे अंतले वेले परमात्मा दा नाम, परमेश्वर दी भगती, वाहगुरु जी दा सिमरन उस दी मददगार उनू छड़ा दिंदा है दुखां तों। अज ख्याल आया कि केवल मौत दे वेले ही अंतला समा नहीं, जदों मनुख अत दी मुसीबत विच, अत दी पीड़ा विच, अत दी विपता विच फसिया होवे ते कोई सहारा दुनिया दा रहे ना, हर सहारा टुट जाए, धन गुरु ग्रंथ साहिब वचन करदे ने परमात्मा जिउंदिया भी बंदे नूं छड़ा दिंदा जदों उस बंदे दा हर सहारा ही मुक जा। आओ असी थोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों, हजूर दे अमृत बचना विचों लांगे इसे दी अर्थ दूजे ढंग नाल कि अंतला समा जदों कोई आस नहीं बचन दी, उदो परमात्मा संसार दीआं मुसीबतां दुखां विचों भी बचा दिंदा। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों, गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह हजूर दा एक अमृत बचन है, उस विच हजूर ने चार गल्लां सानू दसियां ने। कहिंदे ने मनुख अंदरों चिंता नाल ग्रसिया है ते कोई भी ऐसा अंदर नहीं कि जिस दे अंदर कोई ना कोई चिंता किसे ना किसे ढंग तरीके नाल उहनूं खा नहीं रहे। गुरु साहिब दा एक बचन हुंदा है कि चिंतत ही दिसै सब कोय। किसे बंदे नूं तुसीं देखोगे उस दी जिंदगी विच जे एक पासों सुख होवेगा, दूजे पासों कोई दुख कोई चिंता होवेगी। महाराज जी ने कहा चिंतत ही दिसै सब कोय, चेता एक तई सुख होए। ते जिथे एक परमात्मा दा चेता आ जाए, चिंतन आ जाए, सिमरन आ जाए, मालक कृपा करके उस चिंतन वाली थां तो चिंता दी मुक्ति करा देता। इहदा मतलब कि सिमरन अंतले समय किवें सहाय। गुरु तेग बहादुर हजूर सच्चे पातशाह जी दा पवित्र दोहरा जो असी अक्सर भोग वेले पाठ दे नाल इह पढ़ने भी, जदों भोग पैंदा है ते इह दोहरा हर इक नूं चेते है कि जदों बंदे दा हर सहारा मुक जावे, अंत आ जाए, अंत हो जावे, उस वेले परमात्मा दा नाम अंतले समय उहनूं किवें बचांदा है। गुरु जी ने वचन कीता कि बल छुटक्यो बंधन परे, अंति अवसर आ गया। बल छुटक्यो दा अर्थ है कि सारी ताकत खीण हो गई, शक्ति रही नहीं, ते बंधना ने घुट के जकड़ लिया। भावें यह हजूर ने खाथी ली नहीं, यह इंसान दे अंदर वास्ते मन वास्ते वरते है कि बंधन पै गए ने, बंधना ने घुट के जकड़ लिया गए, ते जिहड़ी शक्ति जिहड़ा बल जिहड़ी ताकत सी वह चली गई। ना धन की शक्ति रह गई, ना शरीर की शक्ति रह गई, ना विचार की शक्ति रह गई, ना बाहां की ताकत रह गई, ना भैन भरावां का साथ को रह गया। इहो जी मुसीबत आ बनी कि बल बिल्कुल खीण हो गया। बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना होत उपाए। ते महाराज कहिंदे कौ नानक अब ओट हर अंति अवसर। हे मालक आ वक्त आ बने, हुण कोई सहारा भी नहीं दिसदा पिया। कौ नानक अब ओट हर गद ज्यों हो सहाय। तू इस तरह मदद कर दे मेरी कि जिवें एक हाथी असीं उदाहरण लैंदे हां तंदुए ने पकड़िया, जां पिछले दिन भी आपां इह प्रमाण लिया सी कि उसकी ताकत खत्म हो गई,
ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੈਸੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੰਭਵ ਸਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੁਟਕੇ ਹੋਏ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਉਪਾਅ ਆ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਵਿੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕਛੂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ ਹੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਰ ਬਚਨ ਲਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਕਿ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਤ ਨੇ ਸਦਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਝੜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਿਮਕਰ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਕਈ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਜਾਏ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਵੇਂ ਖਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣੇ ਵਹਿਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜਰ ਉਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਸਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ
ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਸੁਖੀ ਵਸਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤ ਦੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਆ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਖੰਡਾਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝੰਜੂਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਪੈ ਦੇਖ ਨਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਅੱਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਪੈ ਦੇਖ ਨਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ, ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਧਨ ਹੈ ਰਚਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਵਕਤ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਇੰਨਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ, ਉਹ ਬੌੜੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਚੇ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਢੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਥ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲ। ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਢੁਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇੜੇ,
ते साक सब सा रिश्तेदार छड़न लग पे। महाराज कहंदे ने के साक पे भज खले सबो भजे आसरा, चूका सब असराओ हर सहारा टूट गया चित आवे ओस पार ब्रह्म। ते सच्चे पातशाह कहंदे लगे ना तत्ती वाओ, सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छड़ाए। लगे ना तत्ती वाओ, कोई सहारा ना रवे फिर भी परमात्मा बचांदा है। इत्थे मैं एक उदाहरण दे देना हजूर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विचों। महाराज जी ने बचन कीता गुरु रामदास जी ने कि जदो कोई सहारा नहीं फिर किवें बच सकदा है। तन गुरु रामदास जी बचन करदे ने कि असी जदो भोजन छकने आ, खुराक खाने आ, कोई चीज खाने आ, ते अपने दंदां दे नाल भोजन आपां चबाने, ते जीभ रस मानदी है, दंद रस नहीं मानदे। दंदां दे जिथे दंद जुड़े ने मसूड़े रस नहीं मानदे। रस तां मानना इस छोटी जी जीभ ने। ये जीभ आनंद लै रही, रस लै रही। हुण जदों असीं प्रशादा छकने हां, मेरा नहीं ख्याल कदी असी इस ध्यान नाल छकिया होवे, शुरुआत इस तरह कीती होवे कि दंद बड़े तिखे ने, कैंची दी तरह तेज ने, मैं इन्हां दंदां विचों 10-15 मिनट लंगर छकदे आ जीभ नूं किवें बचा। कदी असी सोचदे नहीं, यह सोच के कदी किसे रोटी नहीं खाधी कि मेरे तिखे दंदां विच जीभ विचारी जिहदे च अस्त भी नहीं खड्डी भी नहीं। महाराज कहिंदे ने देख अंति अवसर दे अर्थ कि जदों प्रसाद छक रहे हैं, दंद कैंची की तरह भोजन कट रहे ने, कुतर रहे ने, बरीक बरीक टुकड़े बन गए ने, जीव ओहदे विचों स्वाद रस लै रही है, परमात्मा का शुक्र कर। हर चीज दंदा ने कट दिती, कुतर दिती, चिट दिती, भन दिती, पर जीव दंदा दे नाल लग लग के स्वाद लेंदी है भोजन दा। परमात्मा बत्ती दंदा विच जीव नू तत्ती वाह नहीं लगन देता। बस इत्थे चेते रखी, जे बत्ती दंदा विच ओ इहनू तत्ती वाह नहीं लगन देता, ते जदों तेरे ते मुसीबत पै जी कोई सहारा ना रहा, अंति ओ सरनाम तेनू भी तत्ती वाह नहीं लगन देगा। गुरु रामदास जी दे बचन ने कि जैसे काती तीस बत्तीस है, जिवें आ काती साडा जवाड़ा साडे दंद ती बत्ती ने, जैसे काती तीस बत्तीस कै विच रख है रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किच खात कै, सब बस गत है हर केरी, त्यो संत जना की नर निंदा करें हर रख है पैज जन केरी। इसे तरह मेरे परिपूर्ण परमात्मा जिमें जीव नू दंदा विचों बचा गए, अपने फसे हुए अंति अवसर दुश्मन ते मुसीबतां विचों बचा दे। इस नू कलगीधर स्वामी जी ने अपनी रचना विच इस तरह वखियाया है, कह लगे जिसनू साजन राक्षसी दुश्मन कवन विचार, स्वय न सकै तै शाह को नेफल जाए गवार, जो साधु शरणी परे तिनके कवन विचार, दंत जीव जिम राखई दुष्ट अरिष्ट संघार, सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छड़ा है। हुण इस तो अगला वचन जो मैं शब्द दे अर्थ शुरू किते ने, आप तवज्जो दिया जे। मेरा ख्याल है ये जिहड़े प्रमाण आपां लए ने अज, इस प्रमाण राही कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिस दे घर अंदर जिस दे कोल इन्हां चवां विचों कोई ना कोई दुख जरूर होवे। मैं सच्चाई कह रहा, पहली सी दुश्मन ने घेर लिया ते नाम जपिए छड़ा दिंदा है। दूजा वचन महाराज जी ने कीता कि एक आदमी दा दुश्मन कोई नहीं, बाहर किसे खमले दा कोई खतरा कोई भय जां डर नहीं, पर ओहदे कोल एक तां शरीर नूं रोग लग गया, गरीबी इन्नी है कि बीमारी लग गई ओहदे इलाज वास्ते पैसा कोई नहीं, दूजा कि उस बंदे दे घर विच खाण वास्ते रोटी कोई नहीं, प्रशादे दा प्रबंध नहीं, तीजी गल उस दे कोल तन ढकण वास्ते वस्त्र कपड़ा कोई नहीं। ध्यान दिया जे गुरमुखो, ना उस कोल रोटी है, ना उस कोल कपड़ा है, शरीर नूं रोग लग गया, दिन ब दिन कमजोर होई जांदा है, दिन ब दिन उस
उस बंदे दी गरीबी दी कंगालता दी निर्दनता दा लोकी मजाक उड़ांदे हुण उह बंदा की करे फस गया कुछ भी कोल नहीं। महाराज जी ने उत्थे फिर इसे गल नूं वखाया सानूं दस्या उह वचन है जे को होवै दुबला नंद भुख की पी सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छदाए। कमजोर खैतान जे को होवे दुबला नंद भुख की पीर दमड़ा पल्ले ना पवे उस कोल एक दमड़ी भी पल्ले कुछ भी कोल नहीं। दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर स्वार्थ स्वाव ना को करे ना किच होवे काज ओदे कम नू कोई भी खत पा के सिरे चढ़ाण वास्ते तैयार नहीं। महाराज कहिंदे ने कि स्वार्थ स्वाव ना को करे ना किच होवे काज पर जे किते वैगुरु चेते आ जाए परमात्मा याद आ जाए चित आवे उस पार ब्रह्म ता नेचल होवे राज जेनू परमात्मा चेते आ जाए जिस गरीब दा कोई सहारा नहीं अंतले समय वैगुरु तरस करे ते रोलदे होए नू पातशाही बख्श देंदा राज बख्श देंदा है। महाराज जी ने कहा जप तीसरी मेरी बेनती है एसी चित आवे उस पार ब्रह्म ता नेचल होवे राज। तीसरा महाराज जी का वचन किन्ने एक बंदा जिना दुश्मन भी कोई नहीं क्योंकि असि लड़ीवार चल रहे हैं चार वचन लेने उदों मुसीबत भी कोई नहीं घर पैसे की कमी कोई नहीं रोग भी उसनू बीमारी तन नू कोई नहीं लगी उस बंदे दे मित्र भी बहुत ज्यादा ने पर उन्हों एक होर तरह की चिंता चंबड़ी घर भी गड्डिया ने सब कुछ है शौहरत है उन्हों एक चिंता यह चंबड़ गई है कि घर दे विच कलेश बड़ा है घर दे विच शांति कोई नहीं पुत्र धियां मापे नूहां धी दामाद अपने जिहड़े रिश्ते ने अंदर चिंता की तरह खांदे पए ग्रिस दे विच इन्ना कु चंबड़ चुका है कदी सुनेहा मिलदा है ते इक दम खिड़ पैंदा है कि खुशी मिलदी है ते कदी दूजा सुनेहा आउंदा है ते इक्को दिन सर सट बैंदा है। महाराज कहिंदे ओ बंदा कि जिहड़ा दुख विच फसिया है ग्रिस्त विच खुशी ते कमी वापरदी पई है घर दे जी इकट्ठे नहीं ते सतगुरु कहिंदे इक कम करी तेरे ते भी अंति अवसर आ गया है कोई सहारा नहीं रहा तू भी अंतले समय अपने घर पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु दे नाम दा चिंतन कर जे तेरे ते कृपा मालक ने कर दिती ओ मना ओ इंसान मेरा वैगुरु इन्नी चिंता विच तेरे तन ते मन नूं ठंडिया कर देवे तूनूं ठंडे को जाणगे। गुरु जी दे अमृत बोल ने जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग चिंता लागी शरीर नूं रोग लग गया ग्रिस्त कुटंब पलेटिया इस तुक वल ध्यान दिओ देखो इत्थे भी एक चिंता ग्रिस्त कुटंब पलेटिया कदे खरक कदे सोग कदी खुशी कदी गमी कदी प्रसन्नता ते कदी घर विच उदासी ग्रिस्त कुटंब पलेटिया कदे खरक कदे सोग गौण करे चौ कुंटका मन चौहां पासे भजदे टिकदा नहीं पिया गौण करे चौ कुंटका घड़ी ना बैसन सोए एक खिन भी मन नहीं टिकदा पिया क्योंकि घर दे दुख ते सुख ने कलपाया पिया घड़ी ना बैसन सोए। महाराज कहिंदे चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए जे पार ब्रह्म चेते आ जाए इस मुसीबत विच भी। महाराज कहिंदे सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे दुख तो दूर ना जायो महाराज कहिंदे चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए ठंडा हो गया। हुण चौथी अंति अवसर पहले सन तीन दुश्मन दा डर घर दी गरीबी ते तीसरा घर दा कलेश ते चौथा गुरमुखो महाराज जी ने कहा एक बंदा सारी जिंदगी उहनूं कोई परवाह नहीं रज के खाधा पीता सुख हंडाया पर अज ओह घड़ी आ गई जिहड़ी अंति अवसर दी गल सी कल कर रहे सी मौत सामने दिसदी पई ते जिहड़े पाप कीते सन ना सचमुच जवानी विच तंदुरुस्ती विच
बंदा पाप टीच होके करी जांदा है ते ए भी हकीकत है। पहली कीती कोई गलती, पहला कीता होया गुनाह, पहला कीता होया पाप बंदे दे अंदर नू रात नींद नहीं आउन देंदा। बंदा सारी रात करवटा बदलदा है, दुखी हुंदा है, पछताउंदा मैं गुनाह क्यों कीता। पर दो चार बारी पाप करन तो बाद इन्ना ठीठ हो जांदा, सच जानो मैं शब्द वरत ले, इन्ना यूज्ड हो जांदा है, उन्नू पाप पाप नहीं लगदा, उन्नू पाप अपना रोज का काम लगन लग पैंदा। कदी भी कोई बंदा पहली गलती, पहला गुनाह, पहला कोई भी माड़ा कर्म करदा है, सच्ची मुची उहदा चेहरा उठ जांदा है, उन्नू टिका नहीं मिलदा, वह मन करके कलपदा है। पर जदों दो चार बारी पाप करदा है, फुल भुलन लग पैंदा है, फिर बंदा सोचदा नहीं ये तो एवं गल्लां सन, एवें मैं डर गया सां। पर महाराज कहिंदे जिहड़े कीते कोई पाप ने, अंतला समा आया ते जिहड़े पाप कीते सन सारे उठ के खड़े हो। वह भुल गया सी पर मरे तो नहीं कीते हुए पाप। गुरु साहब के पवित्र बचन ने कि कबीर जेते पाप किए राख है तले दुराए, जिन्हें पाप किए लुकान पा के रखी गया, पर्दे पाई गया। ते महाराज कहने प्रगट पै निदान साहब जब पूछा है धर्म राय, जदों मौत आई जिहड़े कीते हुए पाप सन अंति औसर पाप उठ के खड़े हो गए। खड़े होण दा मतलब कि उन्हूं याद आ गया मैं गुनाह कीते ने। मान लो भी एक बंदे ने पाप कीते, अंति अवसर वल ध्यान दिया गया, पाप च ग्रसे ओ इंसान, तन गुरु ग्रंथ साहिब वेद करदे ने कहिंदे उहनूं इक पासे पाप चेते आउंदा है ते दूजे पासे उहनूं धर्म दीआं गल्लां चेते आ जांदीआं। अंतला समा आ गया, उहनूं याद आ जांदा किसे ने कहा सी वी कीर्तन सुणिआ करीए, मैं मजाक उड़ाया। किसे ने कहा सी नाम जपीए, मैं मजाक उड़ांदा रहा। एक पासे पाप कीते कीतिआं होइआं दी भै पिआ लगदा है, जिहड़े नहीं कीते सच एवे ना कीतिआं नूं चेते करदा ते कहिंदा समां गवाच गिआ मैं उदों कर लैंदा। महाराज कहिंदे फिर याद आउंदा मैं तां पाठ भी नहीं कीता कदे। मैं बेनती जिहड़ी कर रहा तो ध्यान दिआ जे कि अंति अवसर दे अर्थ कल असीं मौत नाल कीते, अज मैं अंति अवसर दे अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब दी कृपा नाल जीवन दीआं उहनां घटनावां ते करना चाहना कि जदों बंदे दा कोई सहारा ना रह जाए, दा बल खत्म हो जाए। महाराज कहिंदे फिर याद आउंदा मैं तां कदी सुखमनी साहिब ही नहीं सी पढ़िया, मैं तां सारी जिंदगी कढ दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ भी ना कीता, सुनिया भी ना, पाप चेते आउंदे ने। महाराज कहिंदे हुण बंदा अंतले समय फस गया, हुण की करे। तां गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे घबरा ना, हुण एक काम कर, जे तैनूं इह अहसास हो गया मैं जिहड़ा नहीं सी करना उह कर बैठा, जेड़े करने सुनो कीते नहीं अंतले समय कीते, तू वाहिगुरु दा नाम जप ले, एक घड़ी दा जपया होया तेरी सारी जिंदगी दे गुनाह धो के रख दे, नाम सहायता देंदा है। गुरु साहिब दा वचन है कि काम क्रोध मोह वश किया, काम दे अंदर क्रोध दे अंदर मोह विच बंदा फस गया। काम क्रोध मोह वश किया, किरपन लोभ प्यार कंजूस है ते लालच विच खचत, लालच नूं प्यार करदा है। काम क्रोध नूं वश किया, किरपन लोभ प्यार चारे किलविक उन अग किए, चारे किलविक बड़े पाप कीते ने, बेटी दा मारना, गऊ दा मारना, अनचारी दा धान, ब्राह्मण दा कतल, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਜਰ ਤੋਂ ਵੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵੀ ਉਹਨ ਅੱਗ ਕੀਏ, ਖੋਵਾ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਧਰਿਆ। सो ऐसा हर नाम जपिया मन मेरे जो अंति अवसर लै छड़ा है, जिउंदियां भी छड़ांदा है ते प्यारे मौत वेले भी अंति अवसर छड़ांदा है।
इसे गुरुदेव जी ने फरमाया कि नानक जी उपाय कै लिख ना मैं धर्म बहालिया उते सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड़े जजमालिया थाउ न पाएन कूड़े आर मुंह काले दोजक चालिया तेरे नाए रते से जिड़ गए खार गए से ठगन वालिया ते महाराज कहिंदे ने लिख ना मैं धर्म बहालिया जिहड़े जपदे ने ना नाम सच्ची मुची सहायता करदा किन्नी को पंचम गुरुदेव दे शब्द है कि जदों तू जपदा है ते नाम अगे कंध बन जांदा पापा नूं परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा बनना अंति अवसर देखो परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा बनना अंत करे नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोष सुख होवा सब ताई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहया सब नी जान तुर की बाणी आई तेरी सगली चिंत मिटाई अंति अवसर तुरकानी आई तेन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना कर नानक साच बखान। अब एक सी उदाहरण ले लीजिए इतिहास विचों के नाम अंति अवसर जदों कोई सहारा न रहे सचमुच बड़ी बरकत पा देता है। लाहौर के नजदीक की एक घटना है ते वेड़ा है धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह का तीसरे गुरदेव जी का वक्त है गुरगद्दी ते हजूर विराजमान ने उस पिंड विच एक खत्री परिवार रहिंदा है ते मापियां नू पिछली उम्रे संतान मिली पुत्र मिलिया रुपये धन जमीन संपदा की कोई कमी नहीं ते लाडा नाल बहुत पालिया बड़ा लाड कीता उन्हों बड़े लाड प्यार दे नाल पालिया होया कि मां बाप बजुर्ग सन उस लाड का एहो जिहा माड़ा असर होया हर मंग उहदी पूरी करनी जदों जवानी की दहलीज ते पैर रखिया ते माड़ी संगत वाले पासे तुर गया रुपया सी ते अज मैं सच कहिंदा जे भाई गुरु सिखो साडे घरां दे वध तो वध कलेश ने क्योंकि बच्चियां नूं इन्नियां कु सहूलतां दे बैठे हाँ उन्हां दी हर गल मन्नण लग पए हाँ सच्चाई इह जिहड़ियां मन्नण वालियां सन ओह मन्नियां पर कई वजह बंदा इस मोड़ ते आ जांदा है जिहड़ियां नहीं मन्नणियां पैणियां सचमुच जे न्याणे उत्थे वी मापिआं नूं चुकाउण लग पैंदे खेड है एक हुण नशे वल चल पिया माड़ी संगत वल तुर पिया ते उसदा नाम सी प्रेमा गुरु अमरदास जी दे वेले साथी मिल गए हुण प्याली दे यार जिथे मर्जी बंदा चला जाए जे अपना पल्ला खर्चना है ते साथ लभदिआं कोई देर नहीं लगती दूजे दिन ही बंदे दी सारे शहर भी जान पछाण हो जाती पैसे पल्यों खर्चने मापे चलाना कर गए फिर केड़ा सी पूछन वाला जो मन च आया रज के मन आईया कीतियां आखिर खाद्यां खूह मुक जांदे ने रुपया मुकन लगा उधर शरीर नूं बीमारी लग गई पै गई क्योंकि वकारी सी विषयी सी शरीर नूं कोड़ दा रोग लग गया रुपये खत्म हो गए ते प्यारे जदों रुपये मुक जान ते कोट दा रोग लग जाए जेडे नाल दे साथी सन मित्र सन खाण पीण वाले ओ सारे ऐसता ऐसता तो कनारा कर लग पए अखीर पिंड दे लोकां ने प्रेमी कोड़ी नूं पिंड तो बाहर कढ दित्ता कह लगे पिंड विच रहना पिंड लई खतरनाक है ये किसे नूं रोग लग सकदा है इहदी बीमारी कितें बच्चियां नूं लग सकदी है हुण रोंदा है पिंड दियां गलियां ओही ने जिन्हां गलियां विचों लंघदा सी ते सैकड़े बंदे पिछे निकलदे सन प्यारे सच्चाई इह जे उहनां गलियां विच बैठा है जिहदे इहदे गल विच बन्ने कोई मिट्टी दा बर्तन बन्न दित्ता है भी इहनूं हथ वी कोई ना लाओ क्योंकि रोटी भी इस तरह सट्टो जिवें कूकर नूं सट्टी दी दूरों क्योंकि हथ लाया भी कितें रोग ना लग जाए पिंड तों बाहर गलियां तों बाहर कर दित्ता
हुण दुखी हो के रोन लगा, रोंदा पापा नूं मापिआं नूं चेते करदा, सहारा कोई नहीं रहा, बिलकदा कलपदा कि मेरा कोई सहारा नहीं। कई दिन लंघ गए, उदास है, ये भी कहता इस बीमारी नालों मौत आ जाए चंगी। अज की होया, उस पिंड दे नजदीक तो धन गुरु अमरदास जी दे दर्शन करने वास्ते संगत गोइंदवाल साहब नूं आ रही है। इस प्रेमी कोड़ी दे रोक करके एदा अंदर दी आवाज, एदे अंदर दा दुख, एदे अंदर दी पीड़ा बलकदा है, बिलकदा है। एदा रोना सिख संगतां दे कन्नां विच पै गया। लगदी कोई संगत प्यार वाले आवाज सुन के खाए खाए को कर रहे दे कोल आ गए। देखे उन्हें सारा शरीर कोड़ दे रोग नाल, गंदे खून नाल भिजा, कपड़े भिजे दे शरीर सारा रोग ने खाधा। ते कहिंदा भाई मेरे नेड़े ना आयो, मैं दुखियारा हाँ। इस पिंड विच मेरे मां बाप सब तो ज्यादा अमीर सन, मैनू लाडा नाल पालिया, अज इस पंड पिंड दा मैं भिखारी बन गया। तुसी कौन हो? बाणी पढ़ने वाले कहिंदे सी गुरु नानक साहब दे सिख। आखिर सोए तां सी महाराज जी दी सोए दा तुंदा खबर शोभा, गुरु नानक साहब दे सिख हां। कह लगे गुरु अमरदास दे दर ते चले हां। कहिंदा मेरी अरदास करियो, इस बीमारी नालों मैं दुनिया तो चला जा। मन चाहिया भी इस बंदे दा सहारा कोई नहीं रह गया, किन्ना चंगा होवे परोपकार करिए, इहनूं धन गुरु अमरदास दे दरबार च क्यों ना लै जाए। अंति अवसर दे अर्थ अज देखियो, इहदा कोई सहारा नहीं। अंदरों सिखां दे आवाज आई कि गुरु अमरदास उहनां दी थां ने जिहदी कोई थां नहीं। निथाणिआं दे थां ने, निमाणिआं दे मान ने, नेताणिआं दे तान ने, ने ओटियां दी ओट ने गत्तियां दी गत ने पत्तियां दी पत ने, गई बहोड़ ने, बंदी छोड़ ने, ओ ता बंधन कर देंदे ने। एक ने हिम्मत मारी, कपड़ा रखिया मोढ़े ते, उहनूं मोढ़े उत्ते चुक लिया। कोड़ी क्या मैं तो दूर, कह लगे नहीं मैं सच्चाई कह रहा, मनोकल्पत कहानी नहीं कोई। मोढ़े ते चुकिया, कह लगे खाए ना बोल, जो कुछ असीं बोलने तू सुन ध्यान। शब्द पढ़ते हुए सिख गोइंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती के उपर आ पहुंचे, उस जगह पर आ गए। इन संगत तो बाहर रख दिता, बिठा दिता गया। कह लगे तू इतने बैठ के संगत के दर्शन कर, हाथ जोड़ के जप तू वाहिगुरु, सानू यकीन कह कि गुरु कृपा करे तू अंतले सवासां ते टिके, मेरा गुरु तेरे तन दे रोग नू भी कटेगा ते मन नू भी आरोगता देगा। संगत लंघनी, इहदे दर्शन करने। कुछ कु दिनां तो बाद इहदा अंदर थोड़ा जिहा टिकन लग पिया। एक गुरमुख प्यारी रूह, हो सकदा धन धन बाबा बुढ़ा साहिब हो, उत्थे लिखे है भावना वाला सिख कोलो लंघिया। कहिंदा देख भाई तू घबरा ना, तू रो ना, तेरे तन नूं रोग लगा, बीमारी लगी है, पर जिस थां ते तू आ गया है चेते रखी, तू तां चल के आया है। इसे जोत दा मालक पहले जामे गुरु नानक साहिब, उह तां कोड़ी दा दरवाजा खड़का के उहदे घर चला गया सी। तू तां चल के आया है, उह तां आप चल के गए। उस कोड़ी दे कोल बैठे, उस कोड़ी दे कोल उन्होंने उहदे रोग दी निवृत्ति कीती, पर छड्डी ना सिरक, भरोसा ना छड्डी, नाम जापा। सिखां ने लगना गुरबाणी दी तुक सुणा देणी, तन गुरु अमरदास जी नूं दस दित्ता हजूर अंतर जामी ने भी इक कोड़ी साडे दरबार दे बाहर आया है। फिर इहनूं दस दित्ता किसे ने कि संगत जपण वाले जदों लंघदे ने इन्हां दे चरणां दी धूड़ पिंडे ते लाया कर, तेरा रोग कटिया जाएगा, तेरी बीमारी कटी जाएगी। कहिंदे उस वेले ओह धूड़ लाण लग पिया, की होया कि जख्म भरन लग पए। हुण इत्थे मैं एक बेनती करां,
आप पढ़े लिखे बहुत विकासशील देश विच बैठे हो, कहोगे भी केड़ियां शाखियां नहीं पाई, बाणी च बड़ी वड्डी ताकत है, सूके खरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी से, मिटगी चिंत उन्हीं मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाथे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए। महाराज कहने के खिन नहीं लगता जो मालिक ने कृपा की दो कर दिते, ते गुरु अमरदास आप अपनी मुबारक रसना तो कहते ने भाई दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। वो बाणी सुनद पवित्र शब्द वचन सुन रहे है, ओदा जख्म भरन लग पिया, शरीर नोरवा हो लग पिया, कहने कुछ दिनों तो बाद कोई प्रेमा हुण गाउण लग पिया, गया कछोटा लद्दा फेर, गया कछोटा लद्दा फेर, इहदा मतलब जिहड़ा जांदा पिया शरीर सी फिर दुबारा लभ गया, मालक ने कृपा की मैं बच गया, हुण संगत दे सेवा करन लग पिया, उठन तुरन फिरन लग पिया। इन्ने तरस हो गया किसे क्या सच्चे पातशाह, जदों महाराज जी ने लगना हाथ जोड़ के दर्शन करने, नाले कहना साहिबा तेरे तो बिना इस कोड़ी का कोई नहीं। वक्त लंघिया धन गुरु अमरदास जी ने मेहर चा की, किसे दस्या महाराज अज कलो बैरागी हो गया जिहड़ा कोड़ी आया सी। जदों बाणी दी तोक सुनदा ते रोण लग पैंदा है, जदों पवित्र शब्द सुनदा ते इक्को दम बैराग भी चला जांदा है। महाराज जी ने कहा कि काम करो, उन्हें इशनान करा, जिथे असी इशनान किया है इन्हू उथे इशनान कराओ। कहिंदे ने हजूर दे पवित्र जल विच इशनान कराया, सचमुच उहदी देही बिलकुल नरोई हो गई, कृपा हो गई। दरबार जांदा ते कहन लगे भाई इह तां मेरा मुरारी बन गया, बड़ा सोहना है, नाम प्रेमा से। हुण देखो बंदा कित्थे सी, नाम विच किड्डी को वड्डी बरकत कै अंती अवसर, जो शरीर का भी कोई सहारा नहीं जिउंदियां नूं नाम बचांदा। महाराज जी ने कहा एडा सोहना शरीर ते भरे हुए दरबार विच, कहन लगे कोई सिख साडा अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा इहदे लई। भाई सिंह उठ पिया, कहन लगा महाराज मैं अपनी बेटी का रिश्ता देता। हुण उहदे घरों बीबी लंगर पे पकांदी सी, ते सारे तरह के लोग होंदे ने संगत च, इक ने उठ के जाके कहा नहीं तू रोटियां पकानी पईआं, वो कोड़ी नहीं सी जिहड़ा कई सालां दा इत्थे कई दिनां दा कई महीनियां दा पिया, तेरे घर वाले ने उस कोड़ी नाल तेरी बेटी का रिश्ता कर दिता है। माई उस तरह आई जी, हाथ उहदे आटे नाल सन भरे, कह लगी महाराज ये की कीता, मेरी बेटी का नाता उस कोड़ी ना, ना उहदे खानदान का पता, ना उहदे मां बाप का पता, ना उहदे घराने का पता, बीमारी का मारिया। महाराज कह लगे शरीर तो देख लिया, जो देखा बिल्कुल नरोवा, तो कला शरीर नरोवा नहीं उहदा अंदर भी नरोवा, अंदर बंदगी सिमर। महाराज हस के कह लगे पुत्र तेनू इहदा खानदान चाहिए, तेनू कुर्सी नामा चाहिए। कह लगे बेटी इहदा मां भी मैं हां, इहदा बाप भी मैं, इहदा रिश्तेदार भी मैं, इहदा सज्जन भी मैं हां, इहदा घर भी मैं, इहदा बाहर भी मैं हां, मेरे ते भरोसे ही चरण पकड़ लैने मालिक। बेटी का विआह किया ते सच्चे पातशाह जी ने नाम रख दिता, यह प्रेमा सी, बेटी का नाम सी मथो, इनू बना दिता मुरारी, ते दोनों का कट्ठा नाम रख दिता मथो मुरारी। जो 22 मंजियां गुरु अमरदास जी ने दित्तियां ते एक मंजी इन्हां दोवां जीआं नूं दित्ती, कह लगे अज तो बाद तुसीं मंजी ते बैठ के संगत नूं नाम जपाया करिया। हुण देखो भाई इहनूं टिक के उह बंदा कित्थे रुकिया सी। महाराज कहिंदे सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे, जो सब ना ऊपर हुक्म चलाए। दूजा वचन सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंती अवसर ले छड़ा है।
जेड़ा अंतले समय तीजी तो पछी विचार लईए ओ है सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। हे मेरे मना तू ऐसे परमात्मा दे प्रभु दे नाम नु जप जेड़ा तेरे मन दी भूख दूर कर दे, जेड़ा तेरे अंदर दी तृष्णा मुका देगा, जेड़ा तेरे अंदर नु संतुष्टि तेरे अंदर नु टिका दे देगा। गुरमुखो भुख तृष्णा मन दा रजना बड़ा मुश्किल है, बेनती समझ मन नहीं छेती कि रजदा। इन्ना भुख है कि जिवें खूह दे विच आपां बिना थले तो बाल्टी लटका दीए तला ना होवे बाल्टी दा, उपर उन्हू रस्से नाल बन के कुंडे नाल रस्सा बन के लमकाइए ते बंदा एक साल नहीं करोड़ा जोग भी उस बाल्टी नू पानी विच डोब डोब के कटे जिहदा थला कोई नहीं, कदी भरदी नहीं। यह मन सच्ची मुची थले तो बिना फिर जो तृष्णा खाती यह रजदा नहीं, यह परिंदा नहीं। महाराज कहते तू नाम जप, नाम विच एडी वड्डी शक्ति है जिहड़ा कदी नहीं भरिया जांदा, नाम उस मन नू भी भर देंदा जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। गुरु अमरदास जी दे वचन ने अज कह लगे साचा नाम मेरा आधारो सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया रजा दिता। नाम ने रजाया, इतने नहीं क्या पैसे ने पदवी ने शोहरत ने, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाया। इच्छावां पूरियां हो गईं, जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ए वडियाइयां उस गुरु तो कुर्बान जावां जिस दी ए वडियाई जिहदी ए सिफत कहे जिन्हें कृपा करके इस तड़प दे भुखे लालची मन नूं रजा दिता। तां ही गुरु जी ने बाणी विच कहा देखो मन किसे पक्ष तों वी नहीं रजदा। मैं पिछले दिन शायद इत्थे जां बाहर किते होर थां बेनती करके आया आ पेट रज जांदा जे मन नहीं रजदा। स्वादिष्ट भोजन होवे स्वादिष्ट पकवान होवे पेट बिल्कुल रजिया तृप्त होवेगा, पर मन स्वादिष्ट भोजन देख के भी कहेगा कि होर छक लेगी क्योंकि अंदर की भुख नहीं ना मरती पे। पेट बीमार हो जाता है पर मन जेड़ा है वो होर खाने मंगता है। ना तो बंदे दे शब्द जबान तो बोल के कभी रजद, ना अखा नाल देख देख के कभी रजद, ना कन्ना नाल सुन सुन के कभी रजद। प्यारे सच्चाई ये जिदन भी इस मन ने रजना है इनू केवल वाहगुरु के नाम ने रजाना। साहब ने कहा कि आखण आख ना रजिया सुन ना रजे कान नहीं रजे इंद्रे, आखण आख ना रजिया सुन ना रजे कान अखी देख ना रजिया गुण गा के कवन भुख्या भुख ना उतरै गली भुख ना जाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। महाराज कहने भुख्या भुख ना उतरै गली भुख ना जाए, नानक भुखा ता रजे जा गुण कहे गुणी समाए ता रजेगा जे मालक मेहर करे उंज केड़ा रजदा जे प्यारे। तुसीं देखो बाणी ने ता स्पष्ट किया एक कला ए नहीं कि मैं उपदेश कर रहा मेरे ते भी लागू हुंदा है। सहस खटे लागो उठता वै तृप्त न आवे माया पछ है पावे। महाराज जी ने कहा तृष्णा बिरले ही की बूझी है किसे बिरले बिरले दी कोट जोरे लाख करोरे मन नहीं कोरे। केड़ा रज गया मन करोड़ा हो गए लखना हो गए पता नहीं किन्ना कुछ मिल गया कोट जोरे लाख करोरे मन नहीं कोरे परे परे ही को लुची है और अगे अगे जाता आ मेरे को जाए आ मेरे को जाए। साहब कहते ने भाई एदा सुभा कला एक नहीं
वड़े वड़े राजन अर घूमन ताकि त्रिशन ना पूछे तुक तो दूर नहीं जाना। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। महाराज कह रहे ने कि देखो वड़े वड़े राजन अर भूमन वड़े वड़े राजे ते भूमन दर्द करांगे जिमीदार भूमि दे मालक जिन्हां दे हजारां एकड़ जमीन कह उन्हां नूं पुछ के देखो भी कहणगे जिंदगी च की खटिया इन्ने कोल सारे साडे होने चाहीदे सन। महाराज जी ने कहा तृष्णा कदी रजदा नहीं अंदर गेड़ी बजी रहिंदे। पुराने महापुरख ना एक गल सुनांदे हुंदे सन तृष्णा दे मुतलक, ओ एक कहानी कह लो गाथा कह लो मन नूं समझाउण लई। ओ कहिंदे एक वारी एक बंदा बड़ी आराधना भगती उहने कीती सिमरन कीता ते उहनूं किसे महात्मा ने मैं थोड़ा फर्क पा के सुना रहा पर तत गल वल चार मोमबत्तियां चा दित्तियां। कहिंदे एक काम करी ऐस पहली मोमबत्ती नूं जगाई ऐस दिशा वल जाई चार ही दिशावां ने ना जिथे मोमबत्ती बुझ जाए उथे थां नूं पट लई तेनूं कुछ ना कुछ मिलेगा। पहले दिन मोमबत्ती पर चौथी तो चेते रखी चौथी ना कितने जगावे तिना नाल सार। पहले दिन जगाई जिथे मोमबत्ती बुझी थां पटिया उथे चांदी दे सिक्के निकल आए। सिर्फ कहानी समझ ले चांदी दे सिक्के निकल आए चांदी दे सिक्के घर लाया फिर चैन कितने आवे चांदी दे सिक्के लैके कहिंदा कल नूं कितने बिर छेती रात पवे ते दूजी मोमबत्ती जगावां। दूजी मोमबत्ती जगाई जिथे ओ बुझी उथे गया थां देखी उते सोना मिल गया किथे नींद पई घर आ गया। तीजी रात दी इंतजार कर लगा ओ तीजी रात फिर मोमबत्ती जगाई जिथे बुझी उथे जाके हीरे मिल गए ते चौथी रात दी इंतजार करदा कहिंदा भी जिहड़ा मैनूं चौथी मोमबत्ती तो रोकिया है ना इहदे च कोई गल होणी है मैनूं जान बुझ के रोकिया होना खजाना उथे भी बहुत है। उहनां कहा सी चौथी ना वाली बंदा बन के रही उहने कहा नहीं नहीं वह मैनूं रोकिया होणा जान बुझ के चौथी मोमबत्ती बाल दित्ती जी खिंदे ने जिथे बुझी उथे थां पटिया ते थोड़ा जिहा होर डूंगा गया ते अगे गुफा बनी सी। गुफा वाला दरवाजा खोलिया एक बंदा चक्की पीए पिया चक्की पीए हाथ ना घुमाई जाए ते अगला एक होर दरवाजा सी उहने कहा भी हो सकदा इस तो अगे कुछ होवे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲੀਆਂ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਲੱਭੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਲੈਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜਕੜੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਚੱਕੀ ਪੀ ਜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਤਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਦੱਬਿਆ ਮਿੱਟੀ ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਮੁੱਠ ਹੱਥ ਦੀ ਭਾਰੀ ਏ ਚਣੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਚਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਕਟ ਮੁਸਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਮਰਕਟ ਮੁਸਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਖਾਤ ਪਸਾਰ ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨਾਚੋ ਘਰ ਘਰ
बार हर घर के दरवाजे अगे वह बंदर नचदा रहा टपदा रहा ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਨ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਇੰਦਨ ਨੀ ਧਰਾਪੈ ਬਿਨਾਰ ਕਹਾਂ ਆਗਾਹੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਰੱਜਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨਾ ਰੱਜਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਪਣ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਕਹਿ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਪੀਏ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ ਕਿ ਚਰਕ ਬੰਨੈ ਧੀਰ ਫਰੀਦਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਐ ਕਿ ਚਰਕਾਈ ਨੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਿਲ ਨਿਸਖ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ ਗੋਰਾ ਸੇ ਮਿਮਾਣੀਆਂ ਬੈਸਣ ਰੂਹਾਂ ਮਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। Hey.
वाहेगुरु 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 सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करो इस विचार नूं इस जाप नूं कृपा करो सतगुरु प्रवान कर लो मेहर करो इज्जत पड़दे सब ते टको नाम सिमरन दीआं दातां वरस के मन देही दे प्रयोजन नूं मुकम्मल करा देवो
वाहिगुरु जी का।